अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? ठीक है। तो आज भी मैं अच्छे अच्छे डिज़ाइन ले आई हूँ, तो इंशाल्लाह ये भी आप लोगों को पसंद आएंगे। तो शुरू करते हैं। इसके गले में पहले कट वर्किंग है, फिर मैंने बीड्स लगाए हैं एक गले की साइड, दूसरी साइड में नहीं, एक गले की साइड, और बाजू सादे हैं। और इसका जो दामन है इधर पाइपिंग है, और बैक पे देख लें पट्टा लगाया है रिबन का। इसकी सलवार में बस तीन पट्टियां डाल दी हैं कि डिजाइनिंग हो, खास इतना नहीं हो। ये उसका दुपट्टा है, चारा पीको है, और ये ब्रोशे का सूट है लॉन का। ये लॉन है लेकिन ब्रोशे का है, तो ये खुद इतनी खूबसूरत है, तो मजीद इस पे काम करना फिर वो सही ना लगता, क्योंकि सूट खुद खूबसूरत है। अच्छा, इसका कलर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, और जो ट्राउजर से पीस बचे हैं ना, और वहां से मैंने छोटी सी मोतियां लगा दी हैं आर्ची और ग्रे, क्योंकि इसमें कलर है सूट में। तो बाजू पे लेस लगाएंगे, आजकल मार्केट में लेसें बहुत प्यारी आई हुई है, और जिंदा पे लेस है वो बीच में लगा दी, और इधर फिर समोसियां लगा दी है। इसका दामन है शर्ट का, और पल्टा लगा हुआ है, बैक साइड में नहीं है, चौक पे पल्टा है, ये पाइपिंग है। ये इसकी सलवार है एक लेंथ, ये देखिए। आजकल ये लेस भी बहुत मार्केट में आई हुई है, जो पहले मैंने ब्लैक वाला सूट सिया था ना, जो आप लोगों को बहुत पसंद आई है, ये वही लेस है, बस वहाँ वाइट है, यहाँ मेहरून है, लेस वही है। इसके सारे कलर हैं मार्केट में, और ये प्यारी लगती है, ऐसे लगता है कि जैसे अंदर शीशा लगा हुआ है, जो कि शीशा नहीं है, सितारा है। देख लें गला और इसका बाजू, इसका ग्रीन कलर का डिजाइन मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी दिखाया था, ये मुझे बहुत पसंद आया है। और इसका ये दामन है, यहाँ भी वही लेस लगाई है, और इसके शर्ट का ही है दामन, यहाँ नहीं लगाया, सिर्फ चाप पे लगाया है। ये इसकी शलवार है, और ये सारे लॉन के ही कपड़े हैं जितने मैं आपको दिखा रही हूँ, आजकल के सीजन के हिसाब से। ये वही दोबारा मैंने यूज़ यहाँ की ये लेस, और ये जो हमारी अरब की सकाफत का है, जो बहुत मुझे पसंद है, ये अरब की सकाफत का है, और यहाँ इतनी लोगों को नहीं है समझ, ये बलोची वगैरह पहनते हैं, लेकिन हमें बहुत पसंद है। तो यहाँ गले में मैंने लगाया है, और बाजू में देखे, ये इधर तो है बाजू का एक अपना है डिजाइन, ये कोई पट्टियाँ नहीं है, इत्तफाक से वो सेम है, ये बाजू का अपना डिजाइन है कपड़े का। हाँ, यहाँ है डिजाइनिंग, देखिए ये बाजू है, ठीक है। और ये जो है सेम कलर, ये कपड़े का प्रिंट ऐसा है, और ये फिर चौक में लगा हुआ है, देखिए दामन फिर वैसा है, देखने में ऐसे लगता है जैसे कोई पट्टियाँ पट्टियाँ नहीं है, इसका प्रिंट ऐसे है, बस ये दामन में हमने यहाँ चौक पे लगाया है, देखिए चौक पे लगाया है। ये शर्ट से जो बचा है तो हमने यहाँ सलवार में लगा दिया, सेम सेट हो गया, और ये लेस है आर्ची कलर की, तो ये सेम हो गया। अच्छा, ये कढ़ाई है, ये कढ़ाई है सूट की, और बाजू इसके देख लें, सेम कढ़ाई है, इस
इसका पैच जो है ना ऑर्गेंजा पे कढ़ाई है, दामन इसका बिल्कुल सादा है, लेकिन यहाँ हमने लगाई, आजकल फैशन आया है चौक पे पट्टी लगाने का, तो जो शर्ट से साइडों से बचता है ना तो वो चौक में यूज हो रहा है। और आजकल ये हर कोई लगा रहा है सूट पे, ये देखिए ये पट्टियाँ लगी हुई हैं, ये देखिए डार्क कलर है ना, शायद वो वजाहत में ना हो तो देखो। अब ये देखें इसमें वही ट्राउजर वाले जो पीस हैं उनकी सम्बूसियाँ डाली हैं। अब गर्मी के हिसाब से डिज़ाइन भी हो गया और ज़्यादा हैवी भी नहीं है, क्योंकि फिर बंदा घर में काम करता है, बिजली भी नहीं होती, तो इस हिसाब से यही लॉन के कपड़े डिज़ाइनिंग भी हो गई और खूबसूरत भी लग रहे हैं। ये देखिए इसका बाजू यहाँ हल थोड़ी सी लेस लगाई है, क्योंकि ज़्यादा हैवी अगर हम डिज़ाइनिंग तो कर लेते वो प्यारे लगते हैं, लेकिन पहन नहीं सकते, फिर वो कपड़े पड़े रहते हैं। ये इस तरह के हैं कि अब हम इसको पहन भी सकते हैं और एक ही वक्त में ये खूबसूरत भी है। दामन में लेस है और चौक पे फिर वही पट्टी, ये उसकी लेस मैचिंग की है शर्ट के साथ, देख लें, क्योंकि गर्मियों के हिसाब से मेरे ख्याल में ऐसे ही डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हम अगर हैवी करते हैं तो लगते बहुत प्यारे हैं देखने में, लेकिन वो पहने नहीं जाते और इस तरह कपड़े बॉन्ड हो जाते हैं। तो इसी तरह आप लोग भी बनाएं तो गर्मियों का सीज़न अच्छा जाएगा। आगे अल्लाह रहम करे शदीद गर्मियाँ होंगी, बिजली भी हमारे एरिए में तो बिजली बहुत जाती है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी बहुत पसंद आएंगे। अल्लाह हाफिज़।